यूनाइटेड टीचर्स एसोसिएशन यूटा के बैनर तले दिनांक 8 जुलाई को बीएसए कार्यालय आगरा पर सैकड़ों की संख्या में शिक्षकों ने उपस्थित होकर ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने का विरोध किया। यूटा ने डिजिटल अटेंडेंस सहित शिक्षकों की 4 सूत्री मांग से संबंधित ज्ञापन बीएसए आगरा को सौंपा है। यूटा के जिला अध्यक्ष केशव दीक्षित, जिला महामंत्री राजीव वर्मा, शहर अध्यक्ष निधि श्रीवास्तव के नेतृत्व में भारी संख्या में शिक्षकों ने ऑनलाइन अटेंडेंस का विरोध किया है। यूटा का कहना है कि ऑनलाइन अटेंडेंस व्यवस्था शिक्षकों के हित में नहीं है। विषम परिस्थितियों में शिक्षक विद्यालय पहुंचता है। 15 से 30 मिनट में ऑनलाइन अटेंडेंस देना व्यावहारिक नहीं है। सरकार को शिक्षकों की समस्याओं पर ध्यान देते हुए ऑनलाइन अटेंडेंस के आदेश को तत्काल प्रभाव से वापस ले लेना चाहिए। बारिश के मौसम के बावजूद ऑनलाइन अटेंडेंस के विरोध में इतनी बड़ी संख्या में शिक्षकों का बीएसए कार्यालय पर एकत्रित होना यह साबित करता है कि शिक्षक ऑनलाइन अटेंडेंस से कितना घबराया हुआ है। यूटा ने राज्य सरकार की भांति शिक्षकों को ELCL के साथ रिक्त पदों के सापेक्ष शिक्षकों का स्थानांतरण और समायोजन की मांग कर शिक्षकों के हक की आवाज को बुलंद किया है। 7 इंडिया न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।